हेलो स्टूडेंट, मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आप अच्छे से इसको देखिएगा, इस वीडियो को कंटिन्यू बने रहिएगा। वीडियो में आपको इसके अबेकस के पार्ट्स वगैरह, इसको इसके वैल्यू देखना समझना, वो सब कुछ आ जाएगी आप लोगों को। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सामने दिख रहा है इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले अबेकस, क्योंकि सबको डिस्प्ले हो रहा है इसलिए हम इसको बोलते हैं डिस्प्ले अबेकस। एंड इसको हम टीचर अबेकस ही बोलते हैं, मास्टर अबेकस ही बोलते हैं। टीचर अबेकस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये टीचर का अबेकस है, ये टीचर इससे आपको टीच करते हैं, इसलिए इसको हम टीचर अबेकस बोलते हैं। एंड ये जो दिख रहा है आपको, ये से बोलते हैं हम स्टूडेंट अबेकस, क्योंकि ये स्टूडेंट का अबेकस होता है। स्टूडेंट इस पे वर्किंग करते हैं और जो भी कुछ करना होता है इस पे वर्क करते हैं, इसलिए ये स्टूडेंट अबेकस कहलाता है। ओके, ये आपकी बॉर्डर दिख रही है आपको अबेकस के, इसको हम बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम। ओके, ये जो ब्लैक कलर की लाइन दिख रही है आप सभी को, जो अबेकस को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, इसको बोलते हैं हम बार। क्या बोलते हैं? बार। ओके, ये ब्लैक कलर की स्टिक दिख रही है आप लोगों को, इसको बोलते हैं हम रॉड। क्या बोलते हैं? रॉड। ये गोल 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 आपको दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम बीड्स। इस बार के नीचे वाले बीड्स को बोलते हैं हम लोअर बीड्स और ऊपर वाले को बोलते हैं हम अपर बीड्स। क्लियर? नीचे वाले को लोअर बीड्स, ऊपर वाले को अपर बीड्स। लोअर बीड्स की एवरी बीड्स की वैल्यू होती है 1111, जबकि अपर बीड्स की 5। मीन समझ में आ गया आपको? बार के नीचे वाले जो बीड्स है, जो भी बीड्स, इन सब की वैल्यू होगी 111 और अपर बीड्स की 555। ओके, जब तक इस बार की कोई बीट टच नहीं करती तो इसका आंसर होता है 0। जैसे अभी कोई बीट टच नहीं करी तो इसका आंसर हो गया 0, जब टच करेगी तो वैल्यू बनेगी, अदरवाइज इसका आंसर होगा 0। या व्हाइट कलर के पॉइंट दिख रहे हैं आपको, काउंट कीजिएगा कितने हैं, 1 2 3 4 5। जैसे राइट से काउंट करो चाहे लेफ्ट से, थर्ड नंबर का पॉइंट यही आ रहा है 1 2 3 1 2 3। मींस थर्ड नंबर का पॉइंट है, क्योंकि सेंटर में मिड में है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं? सेंटर पॉइंट। एंड इसको हम यूनिट पॉइंट भी बोलते हैं, बिकॉज हमारी जो भी कैलकुलेशन है, जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे वो इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसे हम ये बोलते हैं यूनिट पॉइंट। क्लियर? अब यहाँ पे देखिएगा वैल्यू कैसे बनती है। मैंने कहा कि जब तक कोई बीट टच नहीं करेगा तो इसका आंसर 0 होगा। यहाँ पे मैंने टच किया, आंसर इज 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 2 आंसर, 1 2 3 1 2 3 4। क्लियर है? आंसर इज 5, क्योंकि मैंने कहा अपर बीट की वैल्यू 5 है, तो यहाँ टच किया तो आंसर हो गया 5 5 1 6 5 6 7 5 6 7 8 5 6 7 8 9 आंसर इज 9। मींस क्लियर है आप लोगों को? ये यूनिट रोड की कैलकुलेशन बताई मैंने आपको। अब हम टेंस रोड की स्टार्ट करेंगे। यूनिट रोड है, टेंस की रोड है। मींस 1 1 11, यूनिट की रोड पे 1 है, टेंस की रोड पे 1 है, तो 1 1 11। 2 1 21, अब देखिएगा 1 0, मींस यूनिट की रोड पे तो 0 है, टेंस की रोड पे 1 है, तो 1 0 10। 2 0 20, 3 0 30, 4 0 40, 1 1 11, 1 2 12, 2 2 22, 4 2 42, 4 4 44, 2 5 25, 2 5 6 7 8, but means tens की रोड पे 2 है, यूनिट की रोड पे 8, तो 2 8 28, 4 और tens की रोड पे 4 है, यूनिट की रोड पे 9, तो 4 9 49। आई थिंक सो आज आपको ये चीज कंसेप्ट या जितना मैंने बताया आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये आपके इंट्रोडक्शन का, सिर्फ आप डिजिट पहचान सके, अबेकस पे डिजिट की वैल्यू पहचान सके। आगे जो हम अबेकस पे ऐड कैसे करते हैं, लेस कैसे करते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मींस एडिशन सबट्रैक्शन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिएगा। ओके।